गाइस, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि जब हम प्रोजेक्टर स्टैंड प्लान करते हैं कहां पे माउंट करें तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे ये रहा प्रोजेक्टर, मैंने फ़िलहाल ऐसे लगा रखा है ये वाला। तो इस स्टैंड को ऑर्डर करने से पहले मैंने सोचा था यहां पे देखो फ़ैन आ गया, फ़ैन के नीचे प्रोजेक्टर आना चाहिए। तो मैंने सोचा यहाँ से एल शेप बनवा के यहाँ पे फिर स्टैंड लगा दूँगा, यहाँ से एल शेप ऐसे, या फिर यहाँ से ऐसे। पर यहाँ पे आने जाने का रास्ता है, नहीं बनेगी बात, लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी। और एकदम ऊपर ये फ़ैन आ गया, फ़ैन को हम यहाँ से वहाँ लगा सकते हैं गिट्टी की हेल्प से, गिरेगा नहीं, आजकल लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर इस फ़ैन की जो पोजीशन है वो बेड से और सोफ़ा सेट से ज़्यादा इधर हो जाएगी, तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं कहाँ पे लगाएं। ठीक है, फिर जैसे मैं बताता हूँ, और ये रहा फ़ैन, ये रहा प्रोजेक्टर, मैंने सोचा मैं यहाँ पर लगा दूँगा ऐसे, फिर लेंथ ज़्यादा हो जाती, फिर और नीचे बेड है, वैसे ही बुरा लगता है ये। तो हम कई पोजीशन सोचते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, तो काफ़ी काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। आखिरकार फिर मैंने सोचा यहाँ पे ये बेड है भी यहाँ पे लगाया जाए। तो मैंने क्या करा, ये वाला बनवाया है मिस्त्री से, ये वाला स्टैंड बनवाया है। ये स्टैंड काफ़ी मजबूत है और इसको पेंट भी मैंने खुद किया है। इससे ये इसका कवर है और ये स्प्रे आती हैं ऐसे, ये खुद कर सकते हैं। नियर अबाउट 100 रुपये की स्प्रे है, ये वाइट कलर है, जैसे अपना परफ्यूम होता है, परफ्यूम की बॉटल होती है वैसा है ये, ऐसा आप खुद भी कर सकते हो। और इस स्टैंड को यहाँ पे लगाया गया है बोल्ट के जरिए, ड्रिल करके, ये आप देखें ऐसे बड़ी मजबूती से लगाया गया है, गिरेगा नहीं, क्योंकि इसमें स्टड लगते हैं। स्टड जब हम ये स्क्रू कसते हैं, बोल्ट कसते हैं, तो वो एक्सपैंड हो जाते हैं और गिरता नहीं है। ये बड़ी मजबूती से लगाया गया है, ये ऐसा है। यही आपकी एल जो बनी है ऐसे काम आ सकती है, ऐसे बनवा सकते हैं। ये जस्ट एक आइडिया है, वो तो आपकी क्रिएटिविटी है माइंड की, आप इससे बेटर भी सोच सकते हो। ऐसे एल लग जाती है, यहाँ पे भी लग सकती थी एल, वो जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ पे, मुझे यहाँ पे ठीक लगा। उसके बाद मैंने ये बनवाया है, ये वाला, इसके साथ ये यहाँ पे बेल्ट हुआ है और ये बनाया स्लाइडर। स्लाइडर इसलिए बनवाया है क्योंकि कभी हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोजेक्टर को आगे या पीछे करने की। पहले मेरा जो प्रोजेक्शन थी वो कम थी, बाद में मैंने स्क्रीन बड़ी ऑर्डर की तो मैंने प्रोजेक्टर को पीछे किया, तो उसमें ये मुझे काम आया स्लाइडर, ये वाला पूरा आपको दिखाता हूँ। ये बनवाया कैसे, ये पत्तियां हैं 1 2 3 4 मोटी पत्ती है, कितनी इतनी मोटाई में। उसके बाद गैप दिया गया जितना स्क्रू है उस हिसाब से इसको गैप दिया गया। उसके बाद इन पत्तियों को बेल्ट किया गया, ग्राइंड किया गया, फिर पेंट मैंने खुद ही किया है। ये है प्रोजेक्टर को स्लाइड करने के लिए आगे पीछे, इनको ढीला करो। एलन की से ये लूज करो इसको, इस की हेल्प से एलन की सी, ये मैं मार्केट से लेके आया था इसके साथ ही, या जो मैं स्क्रू लेके आया इसके साथ ही ये एलन की लेके आया हूँ, ये यहाँ पे लग जाएगी ऐसे। और आपको इसकी बैक साइड दिखाता हूँ,
ये देखो नट लगा रखे हैं यहाँ पे, ये 4 नट, 4 स्क्रू नट लगा रखे हैं यहाँ पे। ये रहा बैक साइड और पूरे का पूरा ऐसा। ये इसलिए बनवाया मैंने क्योंकि मैंने सोचा कभी प्रोजेक्शन साइज को चेंज करना हो तो यहाँ से स्लाइड करके, इसको यहाँ से स्लाइड करके हम कर सकते हैं। देखो ये स्टैंड है जो मैंने मंगवाया, ऑनलाइन मंगवाया है ये वाला, ये ऐसे स्लाइड होगा, ये वाली रॉड इसमें स्लाइड होगी, तो प्रोजेक्टर आपका ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे, पर ऐसे और ऐसे मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे जाएगा इसकी हेल्प से। ये स्टैंड मैंने बनवाया और इस रेडीमेड स्टैंड को जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया है इसके साथ अटैच कर दिया इन स्क्रू की हेल्प से। और कभी भी इसको मैं लूज करके स्लाइड कर सकता हूँ, इसको प्रोजेक्टर को आगे पीछे कर सकता हूँ, और लेफ्ट टू राइट या राइट राइट टू लेफ्ट, यहाँ से इस रॉड को, इस स्क्रू को लूज करके तो ये वाली रॉड इसमें स्लाइड हो जाएगी। अब ये स्टैंड का ऊपर का व्यू है। ऑर्डर मैंने हैवी ड्यूटी में किया था, हैवी ड्यूटी में ऑर्डर किया था, पर इसमें एक दिक्कत आती है। जब आप इसको पूरे का पूरा खोल देंगे, मतलब ये लेंथ पूरी पूरी की पूरी लेंथ जहाँ तक होती है, जब इसको हम इस नट को लूज़ करते हैं, इसको बाद एक्सटेंड करते हैं इसको, तो एक्सट्रीम जब एक्सटेंड कर देते हैं तो इसकी मजबूती कम हो जाती है और हिलता है। देखो ऐसे हिलता है ये, और जब ये पंखा चलता है ना तब ये प्रोजेक्टर हिलता है। 2 नंबर पे पंखा चलाना पड़ता है, अगर इससे ज़्यादा कर देंगे तो प्रोजेक्टर हिलता है। ठीक, इसकी सपोर्ट के लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। आप ऐसा करना, हैवी ड्यूटी में ऑर्डर करना और थोड़ा बड़ा स्टैंड ऑर्डर करना, क्योंकि ये जितनी रॉड इसके अंदर रहेगी उतनी मजबूती ज़्यादा रहेगी। पहली हैवी ड्यूटी और बड़ा ऑर्डर करना, क्योंकि ये जितनी रॉड इसके अंदर रहेगी तो मजबूती रहेगी, प्रोजेक्टर हिलेगा नहीं। इसके साइजेस आते हैं 2 फीट, 4 फीट, 6, 8 फीट और इन बिटवीन भी आते हैं। आप मेज़रमेंट करके अपने हिसाब से ऑर्डर करें हैवी ड्यूटी में। ये पूरे का पूरा मैंने क्यों नहीं बनवाया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है। ये जो हिस्सा है ये बहुत काम का है, ये इसलिए मैंने रेडीमेड ऑर्डर किया क्योंकि यहाँ से बहुत ऑपरेट होता है ये प्रोजेक्टर काफ़ी डायरेक्शन में, वो आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ से ये हिस्सा है, उससे पहले आपको दिखा दूँ, ये रहा प्रोजेक्टर और ये रही स्क्रीन। ये थोड़ा सामने से ये। अब जब हम ये प्रोजेक्टर और ये स्क्रीन, जब हम इसको टिल्ट करना चाहते हैं, मतलब प्रोजेक्टर को ऐसे टिल्ट करना कहते हैं जिसको, तो क्या करते हैं, ये स्क्रू को ढीला करते हैं, इस स्क्रू को लूज करते हैं इसको, और ऐसा ही है दूसरी साइड, ये दूसरा फोकस कर दूं, इन दोनों को ढीला करना है। ढीला इतना भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइट हो। क्यों? क्योंकि जब आप टिल्ट करेंगे ना इसको, तो अगर ज़्यादा लूज रखेंगे तो गिर जाएगा ये छेती ऐसे, जैसे
जब इसको ठीक ठीक रखोगे, ना लूज ना टाइट रखोगे इसको, तो आप एडजस्ट कर पाओगे। ये आपकी एलन की है, ये वाली इसके साथ मिलती है, और यहाँ से हम ऑपरेट करते हैं, ऐसे ऐसे ऑपरेट करते हैं इसको घुमा के। जब ये दो स्क्रू लूज़ कर देते हैं, मतलब ज़्यादा भी नहीं लूज़ और बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं, तो जब इसको हम ऐसे टिल्ट करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, वो रही स्क्रीन, ऐसे भी प्रोजेक्टर को टिल्ट कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, तो ये लूज़ हो गए और यहाँ से घूमता है फिर प्रोजेक्टर। ये आपका टिल्ट वाला पोर्शन है, फोकस कर रहा हूँ, जब ये स्क्रू लूज़ हो जाएंगे तो यहाँ से ये ऐसे टिल्ट कर सकते हैं ऊपर भी और नीचे भी। अब आप अगर चाहते हैं प्रोजेक्टर, ये पिछला हिस्सा है प्रोजेक्टर का, वो सामने स्क्रीन रही, अब प्रोजेक्टर को आप ऐसे या ऐसे करना चाहते हो, ऐसे राइट साइड डाउन या लेफ्ट साइड डाउन, तो इन स्क्रू को लूज करेंगे। ये दिखा दूँ आपको, ये स्क्रू ऐसा ही इसके यहाँ पे आगे है, दो स्क्रू जैसे ये वाला और ये वाला टिल्ट वाला था, वैसे ही ये है। जब आप इसको लूज़ कर दोगे, वही बताया, ज़्यादा लूज़ नहीं और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है इसको, तो आपका प्रोजेक्टर राइट साइड से डाउन जा अप हो जाएगा, लेफ्ट साइड से भी डाउन जा अप हो जाएगा। उसके बाद आप जब पोजीशन सेट हो जाए सारी, इन सारे स्क्रू को पूरा टाइट कर दो, ऐसे इसकी सेटिंग होती है। इसीलिए मैंने इस स्टैंड को ऑर्डर किया, क्योंकि यहाँ से हम बहुत ऑपरेट कर सकते हैं, इसकी पोजीशन सेट करते हैं। और ये देखो, यहाँ से एडजस्टमेंट, जब मैंने प्रोजेक्टर में लगाया ये सारा कुछ, यहाँ से एडजस्टमेंट सारा, यहाँ पे स्क्रू लगाए, देखो एडजस्टमेंट बहुत है यहाँ पे, ये देखो ऐसे एडजस्टमेंट हो जाती है इसमें, ऐसे ऐसे, तो किसी भी प्रोजेक्टर में ये स्टैंड लग जाता है यहाँ से एडजस्टमेंट होकर, यहाँ से और यहाँ से। और जो ये लेग्स हैं, ये भी वाइड और नैरो हो जाती हैं, ये वाली, ये और ये, ऐसा दिखा दूँगा आपको, सारे का सारा ये पोर्शन एडजस्टेबल है हर एक तरह से। अब बात करते हैं प्रोजेक्टर की ऊंचाई की, फ्लोर से यहां से, यहां से फ्लोर से यहां प्रोजेक्टर की ऊंचाई, तो इसकी नियर अबाउट 6 feet 2 inches है, 6 feet 2 inches है, और वो रखी जाती है आपकी स्क्रीन के हिसाब से। ये वाला वाइट पोर्शन फ्लोर से यहाँ तक की लेंथ हाइट, ये वाला, ये 2 feet है, 2 feet आइडल रखी जाती है ये। अगर आपने बेड या सोफे पे बैठना है तो नियर अबाउट 2 feet काम चल जाता है। अगर आपका सिनेमा जैसे सेटिंग है सारी स्टेयर्स वाली, फिर उससे ऊपर भी चलती है, 3 feet या 3 से थोड़ी बहुत ऊपर भी जा सकती है। तो उसी हाइट के हिसाब से ये प्रोजेक्टर सेट किया है मैंने। एक बात का मैंने एक्सपीरियंस किया है, अगर आपका प्रोजेक्टर स्ट्रेट स्क्रीन पे आती है, उसकी प्रोजेक्शन स्ट्रेट, जैसे ये देखो ये और ये स्क्रीन, तो क्लैरिटी ज़्यादा आती है। अब बात करते हैं वायरिंग की, वायरिंग कैसे करनी चाहिए। हर एक का अपना हिसाब हो सकता है, जैसे मैंने किया है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ये लगा दिया,
जी HDMI है, ये मैंने MI का बॉक्स रखा है, एंड्रॉयड बॉक्स 4K। इनकी वायर मैंने क्या किया है, ऊपर इस ऐसे दिखाता हूँ, यहाँ पे ये लॉक आते हैं, इनसे मैंने बांधा हुआ है इसको ऐसे। और ये एक्सटेंशन बॉक्स है, ये ऐसा एक्सटेंशन बॉक्स है जो आप कोई भी चूज़ करें जिसमें स्पार्क ना हो, इसमें 1% भी स्पार्क नहीं होता। एक मेरे पास और था, उसमें स्पार्क हो रहा था, मैंने नहीं लगाया। तो ये आपकी मर्जी है कि क्या लगाना है, ये तो मैंने आप एक आइडिया शेयर किया है आपके साथ। और उसके बाद ये वूफर वगैरह की वायर है जो सारी की सारी लॉक लगा है, टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्स केबल भी आ रही है, ऑक्स केबल भी ऐसी आ रही है लॉक लगा के यहाँ पे ऐसे। कई क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से अगर आप यहाँ से निकालोगे तो आपको इसको यहीं पे सारी वायर को यहीं पे वाइंड करना पड़ेगा, रोल करना पड़ेगा, वो मेरे हिसाब से तो बहुत बुरी लगेगी। ठीक है, बाकी अपना अपना हिसाब है। वो वायर फिर यहाँ से निकलेंगी, अगर यहाँ से आप निकालना चाहते हो, आपको दिखा दूँ, इसमें कैविटी होती है, एकदम खाली है, और वहाँ यहाँ से वायर जाएगी वो अंदर से, और यहाँ ये देखो यहाँ पे सुराख आ गया वो रॉड का इधर यहाँ पे, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, पर मुझे यही हिसाब ठीक लगा। एक जस्ट आइडिया है, आप अपनी मर्जी करें जैसे आपको ठीक लग रहा है। उसके बाद मैंने वायरिंग का क्या किया है, रॉड के पीछे से निकाली हैं सारी, यहाँ पे तो दिखाई देगी रॉड नहीं आया, और यहाँ पे ये सारे पीछे ये दिखाता हूँ, यहाँ पे स्पीकर वगैरह की ये देखो ऐसे तो दिखाई नहीं देती, ये देखो ये ऐसे, और ये वाली वायर मैंने ऊपर इसलिए रखी है, इसके ऊपर रॉड के, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे नीचे बैठेगा तो ये दिखाई नहीं देगी, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है इसकी अगर आदमी यहाँ पे नीचे बैठेगा तो। कोई वायर बुरी ना लगे, ज़्यादा दिखाई ना दे, तो अपने हिसाब से मैंने एडजस्ट की हुई है, और बाकी आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो। एक मार्केट में बनी बनाई प्लास्टिक की फट्टी आती है नियर अबाउट इतनी चौड़ी, वो पहले आप फट्टी लगाएं, उसके बाद सारी वायर उसमें डाल दें, उसके बाद वो ऊपर से कवर हो जाती है, तो वो भी ठीक लगती है, पर मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा। बाकी अपना अपना हिसाब है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेना। ऐसे भी कर सकते हो, फट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ओके, एक बात और, आप प्रोजेक्टर को ऐसे भी कवर कर सकते हो, बहुत ईजी है ये, क्लॉथ हटाना और डालना, और डस्ट भी नहीं पड़ेगी, बहुत ईजी है। एक बात और, जब इस लेंज को आप फोकस कर दोगे तो ये आपका ये वाला कवर नहीं लगेगा इस पर, ये तभी लगेगा आप इसको अगर यहाँ से फोकस करके लेंज को अंदर करोगे फिर लगेगा, ये फोकस करने के लिए, और ये वाला कीस्टोन है यहाँ, एक मिनट, ये फोकस करने के लिए और ये कीस्टोन। तो वैसे भी आप बार बार नहीं कर पाओगे इसको, फोकस नहीं कर पाओगे, तो सबसे इजी है इसको बस सिंपली कवर कर दो ऐसे, डस्ट नहीं पड़ेगी, इजी टू ऑपरेट। ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।